मेटल में कभी जो है कोई भी आप डाई या टूल अगर आप बनवा रहे हैं तो ये होती है डाई की जो है हाइट। डाई की दो हाइट्स बनती हैं, एक बनती है डाई की शट हाइट। जो डाई की जो शट हाइट बनती है, शट हाइट में बनता है कि डाई डेड होने के बाद में जो ऑपरेशन के लिए हमें हाइट चाहिए उसमें कितनी जो है डेड कर रही है, और एक होती है कि प्रेस के अंदर डाई लगाने के लिए उसको जो है कितना लंबा चौड़ा गैप चाहिए होता है, उसमें जो है स्लॉट का साइज़ क्या है, अगर स्लॉट में क्लैंप डालने हैं उसकी हाइट कितनी है, ये वाली जो हाइट है जैसे या उसकी चाल कितनी है, उसको चाल कितनी चाहिए, ये वाली जगह जो है चाल आती है यहाँ पे, ये चाल है यहाँ से चाल मेंशन होती है, जहाँ पे ये वाला जो आपका जो ब्लोस्टर है इसको ब्लोस्टर बोलते हैं, जो ब्लोस्टर आपका ट्रैवल करेगा। बाकी फिर आता है नीचे का गैप जहाँ पे डाई लगानी है। तो सम टाइम क्या होता है कि सपोज़ करो कि आपकी जो डाई है वो आपने प्रेस आपने पता नहीं करी, कस्टमर के पास 20 टन है 30 टन है। सबसे पहली तो बात आती है टनेज कि किसी भी कंपोनेंट को काटने के लिए उसकी टनेज कितनी चाहिए, ये सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है, शीरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी टनेज निकाली जाती है। जब उसकी टनेज निकाली जाती है, टनेज निकालने के बाद सेकंड थिंग आती है कि उसका जब टनेज निकलेगा कि 10 टन पे कटेगा, 50 टन पे कटेगा, 30 टन पे कटेगा, तो जब आपकी ये चीज़ निकल आती है कि टन इतने टन की प्रेस है, फिर देखी जाती है उसके गैप कितना है, यानी कि डाई को लगाने के जितना उसका गैप है भी है या नहीं है। क्योंकि जब प्रेस का बट्टा नीचे किया जाता है, डाई उसके नीचे जब रहती है, ब्लास्टर जब नीचे किया जाता है, तो वो देखा जाता है कि नीचे जो आपका ब्लास्टर जहाँ तक ट्रैवल कर रहा है वो जो मिनिमम जो शट हाइट है, जो कम से कम डाई की शट हाइट है, उतना नीचे आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर ब्लास्टर आपका नीचे आ रहा है और डाई की हाइट ज़्यादा है तो आपकी प्रेस जाम हो जाएगी, प्रेस आपकी फंस जाएगी। ऑलरेडी मैंने वीडियो लगाया है जिसमें कम टनेज की प्रेस के ऊपर जो है ज़्यादा हैवी कंपोनेंट हम लोग काटने की कोशिश कर रहे थे, ओवरलोड कंपोनेंट, तो वो फंस गई थी। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखने की होती है डाई बनाने से पहले, कि जब डाई बन गई फिर बाद में बंदा बोलेगा ओ माय गॉड मैंने तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी कर दी। तो वो चीज़ें करने से पहले जो है वो ज़रूर ध्यान रखें कि आप डाई बनाने से पहले एटलीस्ट जो है वो जिसके लिए भी आप डाई या टूल बना रहे हो उससे प्रेस की शट हाइट जरूर ले लें कि गैप कितना है आपके ब्लास्टर और बेड के बीच में, जो ये गैप है ये गैप कितना है ये ज़रूर ध्यान रखें। उससे क्या होता है कि आपका कस्टमर के साथ में अगर आपको उसको बढ़िया डाई बना के दोगे, प्रेस के हिसाब से उसकी परफेक्ट है, और उसकी टनेज जो है आपने अंडर टनेज डाई बना के दी है, अगर डाई आपने ओवर टनेज डाई बना के दी है उसकी प्रेस में नहीं चली कल को, तो वो दिक्कत हो जाएगी, कस्टमर आपसे इरीटेट हो जाएगा, फिर वो डाई में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर आप उसको काटोगे पीटोगे अपना टाइम ख़राब करोगे। तो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी देने के लिए सबसे पहले उसकी प्रेस कैपेसिटी ज़रूर पूछ लें, कंपोनेंट जो भी आपका जो भी कंपोनेंट है उसमें आपने चिराई करनी है, पट्टी की कटाई करनी है, इस टाइम में पट्टी काटनी है या जो भी है इस तरह राउंड स्केयर बार काटनी है, तो एटलीस्ट आप अपने कस्टमर से जो है वो पूछने के बाद खुद टनेज ज़रूर निकाल लें। क्योंकि डाई लाइन में कंपोनेंट बनाने से पहले सबसे पहला फैक्टर है टनेज, वो कितने टन पे एट लिस्ट कटेगी, तो वो आप फैक्टर जो है ज़रूर एग्जामिन कर लें। बाकी चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।